हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल आप लोगों को यहीं पे छोड़े थे और आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे का व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग ना इधर और हम लोग वो वाले पुराने वाले घर पे जा रहे हैं। कुछ तो बहुत दिन से वो रूम साफ नहीं हुआ है, गंदा हुआ है, तो जाने वाले थे लेकिन आज लाइट भी नहीं है, तो जीसू का फ़ोन चार्ज नहीं है, मेरा भी फ़ोन चार्ज नहीं है, तो चार्ज भी कर लेंगे साथ ही साथ में ना वो उधर का रूम भी साफ कर लेंगे। जीसू नाश्ता कर चुका है और हम नाश्ता नहीं किए, जिया भी नाश्ता करके नहीं गई है, तो ले लिए हैं वहीं पर, रूम वूम धोने के बाद नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए, ये लैपटॉप वो किस लिए ले जा रहा है? तो आ चुके हैं और चलते हैं रूम वूम खोलते हैं। अभी जीसू गया है ना जिया को लाने के लिए। तो आ गए हैं और अंधेरा एकदम, काल कोठरी था। जब जहां पे कोई नहीं रहता है ना तो उसका यही हाल होता है, तो सब जगह का दरवाजा खिड़की खोल देते हैं और उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। वो देखिए कितना सारा जाला वाला सब कुछ लग गया। तो चलते हैं और आंगन देखते हैं कि आंगन का ना क्या हाल हुआ है, और इधर का पेड़ और शायद कटवाए। तो हम अभी आंगन में आके देख ही रहे थे, तब तक जिया भी आ गई। जिया का भी स्कूल से छुट्टी हो चुका है, तो आने के बाद ना अच्छा तो लग रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दिनों बाद आए, बहुत गंदा था और हम लोग यहाँ पेड़ पे ढूंढ रहे थे, आम नहीं ढूंढ रहे थे, कटहल का पेड़ है तो कटहल ही देख रहे थे कितना है। वैसे हम लोग से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग उतना नहीं तोड़ते, जो हैं वहाँ पर तो उन्हीं के लिए छोड़ दिए, लेकिन फ़िलहाल देखने का तो हक है। तो वही हम लोग देख रहे थे, काउंट कर रहे थे कि कितना सारा है, और आंगन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जबकि ये आते जाते हम तो नहीं आते, लेकिन हाँ ये आते हैं तो हल्का फुल्का साफ तो हो जाता है, लेकिन फिर भी जो डस्ट था, जो छाई, आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे ना बहुत डस्ट होता है, तो बैठा नहीं जा रहा था। ये बोल रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो कई दिन से हमसे कह रहे थे कि जाके एक बार साफ़ कर दो, जाके एक बार साफ़ कर दो। तो हो रहा था कि कल चलेंगे कल चलेंगे, लेकिन बस ये ना कि जब बहाना होता है, जब जाना होता है ना, तो इंसान निकल ही जाता है। तो फ़ोन नहीं चार्ज था, तो सबका फ़ोन चार्ज में लग चुका है, अभी मेरा फ़ोन चार्ज में नहीं लगा है क्योंकि वीडियो बन रहा है, और थोड़ा सा बना के क्लिप ना जब हम लोग धोने वोने लगेंगे रूम तो उतना देर में चार्ज में लगा देंगे, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। तो जिया को भूख तो बहुत तेज लगा, सिर्फ जिया को क्या, हमें भी भूख लगा है, सुबह से वहाँ पर काम हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर आके काम स्टार्ट कर दिए। तो लेकिन अब गंदगी में बैठ के खाने का तो मन नहीं करा, साफ़ कर लेते थोड़ा देर, सुकून से पंखे की हवा में लेटेंगे बैठेंगे और फिर जाएंगे। जबकि बच्चे यहाँ आए ना तो बच्चों का यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, जबकि यहाँ लाइट था, पंखा था, सब कुछ था, पानी वानी सब कुछ था, लेकिन फिर भी ना बच्चों का मन वहीं पे लगा था, बोले नहीं चलिए घर चलिए। जहाँ पे इंसान रहने लगता है ना, चाहे आपको कितनी भी सुविधा मिल जाए, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। तो पूरा रूम हम लोग साफ़ कर चुके हैं और जीसू इधर बीच फिर से घर गया था क्योंकि हम लोग का पार्सल आया था। ये कुछ मंगाए थे, क्या मंगाए थे वो आप लोग को आगे बताएंगे, अभी घर जाके आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सब बिस्तर सा सब कुछ साफ़ कर चुके हैं और हम लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो क्या लेकर आए हैं, रोटी है और पनीर की सब्जी है। जबकि जीसू ना सुबह नाश्ता में ब्रेड और चाय खाया था, तो हम लोग जैसे ही बैठे तो जिया बोली बहुत अच्छा लग रहा है पनीर की सब्जी, अच्छा बना था। जन से रात में कुछ इसका टेस्ट अलग था, और सुबेरे उठ के ना हम इसका टेस्ट चेंज कर लिए क्योंकि आप लोग को पता ही ना एक जैसा बच्चे खाते खाते बोर हो जाते हैं और कुछ तो वो बासी लगने लगता है, लेकिन ऐसे ताज़ा रहता है। जीसू नहीं खाया, हम उसको खिला रहे थे। तो अभी 11:30 होने वाला है और हम लोग 9:30 का आए थे, पूरा घर, अरे मैंने चप्पल मार मार के ना, तो सारा घर धो चुके हैं और बिस्तर उस्तर झाड़ के ना और पलट के बिछा दिए, नीचे भी बिछा दिए,
और अब चलते हैं घर, दो दो जगह का काम हो जाता है। ए बेटा ताला चाबी सब चार्जर सब लोग ले लिए ना, और धो दिए हैं अपना फेवरेट किचन, तो किचन भी एकदम बढ़िया से साफ हो गया है। पाइप ना वहीं पे छोड़ दिए, तो लाइट भी बंद कर देते हैं। हेलमेट लिया है ना, चलो अभी ये वाला रेत ले जाना है कोने वाला। तो हम लोग घर आ चुके हैं और सारे बच्चे मिलके लाके ये पार्सल ना घर में रखे थे, और अब सारे बच्चे मिलके ही इसको खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि सब चीज़ सही तो है ना। ऐसा तो नहीं कि आते के टाइम टूट गया। कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए ना, तो जब आपको रिसीव होता है तो तुरंत उसको खोल के ना एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ ख़राब निकला या कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ही रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी देख लिए और आप लोग भी देख लिए और अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप लोग को कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब लग जाता है ना तो वाकई बहुत खूबसूरत लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगेगा, तो देखिएगा और बताइएगा। वैसे आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर अब वहाँ तो पार्सल वार्सल तो देख लिए हम लोग, और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी चल रही है। गर्मी में सबका हाल बेहाल है, सब लोग परेशान है, परेशानी बहुत है, लेकिन अफसोस नहीं है कि यहाँ पे हम लोग आ गए, क्योंकि पूरा एक दिन हम लोग बिना लाइट बत्ती के और पंखा उंखा कुछ नहीं, गर्मी इतनी भयंकर वाली है पड़े हैं, लेकिन फिर भी ना सही बता रहे, दिल से बात बता रहे कि कोई भी पछतावा नहीं है, खुशी है। सब बच्चे एक साथ एक जगह बैठ के हाहा ही कर रहे हैं, और पानी तो इतना पानी, यहाँ तक कि ना हम लोग पानी मांग मांग के भी लाए, और कहीं जा जा के भी बच्चे भर भर के ला रहे हैं। तो ठंडा पानी का ऐसा भी नहीं कि ठंडे पानी का कोई दिक्कत हुआ, बच्चे बाइक से जा जा के ले लेकर आ रहे थे, तो ऐसा था। इसका भी जो मज़ा है ना वो अलग ही है। और सही पूछिए तो पहले जैसे अगर लाइट नहीं है तो ये होता ना कि लाइट नहीं है खुद पे, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं ना तो सबको देख देख के भी हिम्मत मिल जा रही है, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो बस आ चुके हैं खाना बनाने के लिए, थक गए हैं, आज सुबह से बस दौड़े रहे हैं, कभी इधर साफ़ सफ़ाई कभी उधर साफ़ सफ़ाई, लेकिन बस ये है कि खाना तो बनाना ही है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जीसू हमको वहीं से बोला था कि हम आएंगे ना तो नेनुआ नहीं बनना चाहिए, उसको नेनुआ नहीं पसंद है और इनको ना नेनुआ ही बहुत पसंद है, तो जब आते हैं तो नेनुआ लेकर चले आते हैं। और जीसू बना तो दिए लेकिन जीसू खाना ही नहीं खाया, तो इसका अफसोस हो रहा था कि नहीं बनाते तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन इतना सारा था तो हम सोचे अब लाइट नहीं है सब ख़राब हो जाएगा फ्रिज में, तो लाओ बना ही देते हैं, बना हुआ रहेगा ना। तो हम ये सोचे थे कि रात में चलो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, रोटी बना देंगे, लाइट तो है ही नहीं, तो ये सब चीज़ था। और यहाँ अंधेरे में ही काम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेंशन ये लगा है कि कहीं ना टंकी में पानी ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारा दिन बर्तन वर्तन धो रहे तो कोई भी नहाया नहीं सुबह, और जो ये नहाए तो हैंडपम्प के ही पानी से नहाए, तो टंकी का पानी ना हम लोग बचा बचा के चल रहे थे। तो खाना बन रहा है और पोछा नहीं लगाए थे सुबह से भी, आप लोग देखे थे ना कि झाड़ू लगाए और झाड़ू लगाने के बाद ही चले गए थे, तो पोछा लगाना बाकी था तो पोछा ओछा लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे तो वो देखिएगा आप लोग। गर्मी में हम लोग बेहाल इधर उधर लोट पोट करेंगे और कुछ नहीं। जिया हेलो गाइस, देखिए जिया को गर्मी लग रही है, मजा कर रही है। क्या हाल हो गया है बिना लाइट के। गर्मी से बचने का एक बाल्टी में कितना पैर बताइए आप लोग, इसमें कितना पैर है एक बाल्टी अभी टूट गया ना बेटा, एक दो तीन चार। तो बाल्टी छोटा पड़ गया था, पैर ज़्यादा हो गया था, जो जो आ रहा था ना वो भी इसी में घुस जा रहा था, तो हम लोग बड़ा वाला टब ले आए हैं और हैंडपम्प का एकदम ठंडा ठंडा पानी इसमें डाल के बैठे थे। कुछ ठंडक तो नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी अंदर से अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो ठंडा है। तो अभी दोपहर का 3:30 हो चुका है,
और लाइट ना अभी तक नहीं आया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो कैसे अपलोड करें, क्योंकि बिना वाईफाई के कैसे अपलोड होगा। और सब लोग ना सोनू के यहाँ बैठ के हाहा ही कर रहे हैं, ये भी आए तो तुरंत ही वहीं पे चले गए हैं और हम भी वहीं पे जा रहे हैं। आवाज़ सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे तो चलिए आप लोग को आवाज़ दूर से ही सुनाते हैं। तो हम लोग वहां पे थे और पानी शुरू हो गया और छत पे ना चादर उधर है। चादर उधर और गिरा है क्या उधर है? सोनू पापा बोले चादर। तो इतनी भयंकर धूप और गर्मी के बाद ना अचानक से मौसम चेंज हो गया, लेकिन हाँ अच्छा तो अभी भी ना बहुत ज़्यादा गर्म था और पानी की जो बूंद है ना वो एकदम बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी गिर रही थी, जैसा लग रहा था खूब भयंकर वाला एकदम से बारिश होगा। लेकिन ना मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं, 10 से 15 मिनट ही बारिश हुआ था, लेकिन एकदम ना चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा हवा, ऊपर से लाइट भी नहीं तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, सब लोग बाहर बैठे थे। और ये जो एक दिन था ना जब लाइट नहीं थी तो कोई भी दोपहर में सोया नहीं, कोई नहीं, और सब लोग एक ही जगह बैठ के हाहा ही कर रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी है और ये इतनी बढ़िया वाली जो आंधी तूफान वाला था, आंधी तूफान बढ़िया वाला था क्योंकि बारिश के साथ जो हवा आ रही थी ना, तो एक दिन का जो हम लोग का बिना लाइट के थे ना वो एकदम ख़त्म करा था सिर्फ आधा ही घंटा, आधा घंटा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना भयंकर वाला उमस हो गया था, सब लोग घर में बाहर निकल निकल के और पानी का एंजॉय कर रहे थे, सब लोग पैर और डाल के, देखिए बच्चों का भी चहल पहल और ये देखिए दरवाजे पर ही सब लोग बैठे थे। उसके बाद एकदम भयंकर वाला उमस हो गया, गर्मी हो गया, तो जिया यहाँ पे निकाल रही है अपना, जब छोटी सी थी ना तो हम लोग लखनऊ से लेकर आए थे इसके नहाने के लिए स्विमिंग पूल वाला, तो वो भर रही थी कि मम्मी हम लोग पानी डाल के ना और इसी में लेटेंगे बैठेंगे हो रहा था, फिर हम लोग शाम को बैठे भी थे थोड़ा देर, सब लोग इसी में बैठ गए थे। तो अभी शाम का चाय पीने का टाइम हो रहा है और अभी अगर टाइम की बात बताया ना तो 6:30 के ही लगभग हो रहा है। ये दूध लेकर आए थे तो हम सोचे कि दूध भी अच्छे से गरम गरम वरम कर दे, क्योंकि लाइट तो आएगी नहीं और फ्रिज में रखना नहीं है तो बाहर, और ये सोनू के यहाँ चाय पी चुके थे और मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो जीसू बोला था कि मैं मम्मी हम भी चाय पियेंगे, लेकिन फिर वो ना पता नहीं कहीं चला गया सबके साथ, तो हम यहाँ पे अपने लिए सिर्फ चाय बना रहे और साथ ही साथ में ना खाना भी चढ़ाएंगे। तो खाने में क्या बनाएंगे आज, सब के यहाँ सब लोग आज खाना नहीं, बस ऐसे ही हल्का फुल्का जो दोपहर का था, और कल ना फ्रिज में आटा रखे थे जो आटा ख़राब हो गया, और कहीं खाएंगे तो दाल ना बहुत ज़्यादा बच गया था तो दाल फ्राई कर देंगे, और नेनुआ के तो सब्जी है ही, और चावल भी बच गया था क्योंकि जीसू दोपहर में खाना ही नहीं खाया था, तो चावल था तो चावल फ्राई करेंगे, दाल फ्राई करेंगे और नेनुआ की सब्जी के साथ ऐसे ही खा लेंगे। इतना गर्मी था ना कि किसी का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था, जीसू आके यहीं पर लेट गया, गर्मी लग रही थी। और गर्मी ना जैसे ऐसे नहीं, जब बोल दीजिए ना कि यार लाइट नहीं है तो पंखा नहीं है तो गर्मी ज़्यादा ही लग रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग मज़ा खूब किए। तो यहाँ पे जिया के लिए नाश्ता हो रहा है, नाश्ता कुछ बना ही नहीं है, सुबह की रोटी थी तो जिया बोली ना कि मम्मी घी और चीनी लगा के ना हमको दे दीजिए, नहीं सुबह की नहीं थी, अभी हम रोटी एक ठो बनाए थे, मुझे ध्यान से उतर गया था, हम लोग तो सुबह वहाँ पे नाश्ता किए थे तो पूरा तो खा ही लिए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे, तो ये रोटी ना अभी बनाए थे और इसी में चीनी और देसी घी डाल के और अच्छे से इसको मल दीजिए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो जिया वही खा रही थी और जीसू चावल फ्राई खा लिया था, तो बोला मम्मी हमको चाय पीने का मन कर रहा है, तो उसके लिए भी चाय बना रहे थे कि चाय इसको भी दे दें। और अभी टाइम की बात बताएं तो 7:30-7:45 के लगभग हो रहा है, और मैं इतनी हड़बड़ाई क्यों हूँ क्योंकि लाइट देख लीजिए जो बल्ब लगा है ना, तो ये तो चार्जिंग वाला बल्ब है और लास्ट तक ये अपना
दम तोड़ते तोड़ते हल्की फुल्की लाइट दे रहा था, तो हम सोचे रोटी बना ले, ऐसा ना हो कि फिर अंधेरे में रोटी बनाना पड़ जाएगा, तो इसीलिए रोटी वोटी बना चुके हैं, सब खाना बन चुका। तो अभी 9 बज रहा है एकदम करेक्ट वाला, और अभी तुरंत ही लाइट आया है। हम लोग ना यहीं पर बिछा के ही लेटे थे तो लाइट आया है। सबसे पहले पानी भर रहे हैं क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म होने वाला था, एकदम लास्ट स्टेज पे था, और हो सकता है लाइट का कोई भरोसा नहीं, तो पहला काम यही करेंगे। जिया ना बॉटल सब भर के फ्रिज में डाल रही है, ये है। तो बहुत अच्छा लगा, सुकून सा मिला कि हाँ चलो लाइट आ गया।